हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भौसर। तो कमेंट बॉक्स में दो क्वेश्चन आए हैं कि मुझे लगता है कि इनके आंसर देने चाहिए। पहला तो प्रतीक भुजबल जी का क्वेश्चन है कि सर, हमें कपड़ों को स्टार्च करना होता है, मतलब क्या करते हैं कपड़ों को, स्टार्च प्रोसेस भी बताइए। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दे दिया और मैं अभी स्टार्च से रिलेटेड आपके साथ में डिटेल में बात करूंगा, क्यों कपड़ों को स्टार्च किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है स्टार्च करने की, व्हाइट कपड़ों से रिलेटेड। और बहुत सारी स्टेट है हमारे इंडिया में कि वहां पे स्टार्च का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, तो उससे रिलेटेड बात करूंगा। बट दूसरा एक क्वेश्चन और है, उसका मैं छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। पंजाबी बॉय लॉन्ड्री बिजनेस, ग्राहक के कपड़ों में से पैसे निकले तो क्या करते हैं, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है और मेरा भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो उनको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक तो बनता है पर डिसलाइक क्यों कर दिया कुछ लोगों ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 8-10 डिसलाइक आते हैं, 150 अगर लाइक आए तो। और ये इसका एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो चैनल पे आप 700 वीडियो देख रहे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं ना, तो ये डिसलाइक की वजह से। कुछ मेरी शुरुआती जो वीडियोस थी उन वीडियोस में मुझे लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिले और मैं मेरी लाइफ को एक चैलेंज की तरह लेता हूँ। जो काम मुझे नहीं आ रहा है वो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, वीडियोस का वेट करना और वीडियोस पूरी देखने के बाद में डिसलाइक करना, ये सारा प्रोसेस होता है। तो उन लोगों के लिए भी मेरे दिल में काफी अच्छी रिस्पेक्ट है, मोहब्बत है डिसलाइक करना भी, क्योंकि वीडियोस देखने के बाद में वो डिसलाइक करते हैं। तो बस यही है। और इस चैनल पे आप जो भी ग्रोथ देख रहे हो थोड़ी बहुत, तो वो डिसलाइक की वजह से है। कुछ मेरी वीडियोस ऐसी हैं जिसमें लाइक से ज्यादा डिसलाइक है, 300-400 अगर लाइक होंगे तो 400-450 डिसलाइक होंगे। उन्हीं वीडियोस की वजह से मैं इतने सारे वीडियोस बना पाया हूँ। लाइफ में आपको कोई चीज नहीं आ रही है ना, तो उसको एज अ पॉजिटिव लो, मोटिवेशन के तौर पर लो, क्योंकि क्यों नहीं आ रही है, दूसरे लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे लोग अगर वीडियोस पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से वीडियोस बना रहे हैं, अपना जो भी बिजनेस है उसमें अच्छे से अपना 100% दे रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, बस यही फैक्टर है। तो डिसलाइक को मैं एज अ मोटिवेशन लेता हूँ, लेकिन अगर लाइक भी करेंगे तो भी मोटिवेशन मिलता ही है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका, और थैंक यू पंजाबी बॉय, आपने कमेंट किया। तो अभी मेन कमेंट जो है जिसका मुझे आंसर देना काफी अच्छा लगेगा, ये है, दिख रहा है, ये है व्हाइट कुर्ता और पैजामा, ये जो है, तो इनको मैंने स्टार्च क्यों किया, इनको स्टार्च करना मतलब सिर्फ क्रिस्पीनेस नहीं लाना है। बहुत सारी स्टेट में हमारे इंडिया में इस तरह से स्टार्च लगता है, पूरी एकदम प्रेस भी एकदम इस तरह से होनी चाहिए कपड़ों में, और ये भी स्टार्च एकदम कागज के जैसे होता है। बहुत सारी इंडिया में बहुत सारी स्टेट है जहां पे स्टार्च करना अनिवार्य है, यानी आपको इस बिजनेस में सक्सेस अगर होना है तो आपको कपड़ों को स्टार्च करना पड़ेगा। और स्टार्च क्यों करते हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि स्टार्च क्यों करते हैं हम कपड़ों को। तो जो भी कपड़ा पानी में जाता है, सिल्क हो, कॉटन हो, जो भी कपड़ा हो, अगर पानी में जाके श्रिंक हो गया तो उसको आयरन करना, उसको वापस से पहले जैसे फिनिशिंग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो स्टार्च देने से ये चीज जो होती है ना आसान होती है। कोई भी अगर न्यू शर्ट अगर हम लेते हैं शॉप में जाके, कॉटन का हो, लिनन कॉटन हो, तो वो हमें पहले से कंपनी वालों ने उसको थोड़ा सा स्टार्च दिया होता है, तब हमें वो कपड़ा हाथों को एकदम अच्छा लगता है, क्रिस्पी लगता है, तो तब हम वो कपड़ा सिलेक्ट करते हैं और लेते हैं। तो अगर वॉश करने के बाद में उसमें से जो उसका स्टार्च होता है वो अगर निकल जाए तो कपड़ा श्रिंक होता है, तो उस कपड़े को श्रिंक फ्री करने के लिए हम स्टार्च यूज करते हैं।
व्हाइट कपड़ों में यूज करते हैं, कलरफुल कपड़ों में भी यूज करते हैं, जो भी कपड़ा आपको लगा कि वॉश करने के बाद में ज्यादा ही मुलायम हो गया है, ज्यादा ही श्रिंक हो गया है, या बहुत सारे सिलवटे हैं जो आयरन करने से प्लेन नहीं हो रही है, तो उस कपड़े को स्टार्च करना जरूरी है। यानी मैं करता हूँ, बाकी बहुत सारे स्टेट में है जिन जहाँ पे स्टार्च का क्रेज नहीं है तो नहीं करते हैं लोग, लेकिन महाराष्ट्र हो गया, आंध्र हो गया, एमपी हो गया, और बेंगलोर, तमिलनाडु, यूपी में भी बहुत जगह पे स्टार्च करते हैं, तो उन कपड़ों को स्टार्च किया आपने, अगर आप अगर लॉन्ड्री बिजनेस में हो, अगर आप कपड़ों को अगर स्टार्च करके देते हो, तो कस्टमर्स को जो फील आएगा कपड़ा पहनने के बाद, तो वो कस्टमर्स आपके पास रेगुलरली आएगा, और इसीलिए मैं स्टार्च करता हूँ। अभी स्टार्च बनाते कैसे हैं वो भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका आगे, तो स्टार्च कैसे बनाते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-3 वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी, जिसको मैं पिन किया पिन भी कर दूंगा, यानी वो फर्स्ट में ही रहेगा कमेंट, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि क्यों स्टार्च किया जाता है। स्टार्च जो मैं यूज करता हूँ अरारूट स्टार्च, स्टार्च पाउडर, वो आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा जैसे मैंने वीडियोज में बताया है, तो आप वो बाकी की वीडियोज भी देख लीजिए जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भेज रहा हूँ। तो इन दो लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाबी बॉय और प्रतीक भुजबल जी, जिन्होंने स्टार्च से रिलेटेड और डिसलाइक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं हमेशा लगा रहता हूँ कमेंट बॉक्स में, लगा रहता हूँ, मेरे कमेंट चेक करता हूँ, मैं फोन नहीं रिसीव करता, किसी का अगर कॉल आया तो मैं नहीं रिसीव करता, उसको कहता हूँ कि आप मैसेज कीजिए, और अगर उसका यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं उसको कहता हूँ कि यूट्यूब में ही पूछिए, मैं ज़्यादातर YouTube के कमेंट बॉक्स ही चेक करता हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है, और उसी से भी मैं रिलेटेड वीडियो आगे भी बनाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को WhatsApp और Facebook पर शेयर कीजिए, और कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और इन कपड़ों को हम इस तरह से कैसे बनाते हैं डिटेल में प्रैक्टिकली अगर सीखना है तो मैं यहाँ पे बेसिक लॉन्ड्री बिजनेस की ट्रेनिंग भी देता हूँ। एक दिन हमारा इन कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग, वॉशिंग, स्टार्च करना, व्हाइटनिंग करना ये रहता है, और दूसरा दिन होता है तो सिर्फ इसकी आयरनिंग करते हैं। कंप्लीट आयरनिंग प्रोसेस मैं खुद करता हूं आपके सामने, और आपको भी करके दिखाता हूं या आपसे भी करवाता हूं, तो ये काम हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग में करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। YouTube पे सारी वीडियोस फ्री है, सब्सक्राइब भी YouTube पे सब्सक्राइब करना फ्री है, तो बेल नोटिफिकेशन से आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।